नेक्स्ट 9 न्यूज में और हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के बीच एक बार फिर से ये खास प्रोग्राम मैरिज स्पेशल को लेकर, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं बी टाउन में किसके घर बजेगी अब सहनाई। वह एक लंबे समय से चर्चा में है कपूर फैमिली को लेकर, शादी की बैंड बाजा बारात का इंतजार। कब होगा इंतजार खत्म अर्जुन कपूर की शादी के ऐलान का, इसे लेकर तमाम अपडेट्स हमने आपको अब तक दी है। तो चलिए आज एक बार फिर से एक और नई अपडेट दे दें आपको। दरअसल मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज आपको ये बताने वाली हूँ कि अर्जुन कपूर, जिनकी दादी अम्मा ने उनसे शादी के लिए रिक्वेस्ट की है और साथ में धमकी भी दी है बड़े ही प्यार से, बड़े ही सलीके के साथ कि अर्जुन जल्द से जल्द अपने मेरे घर में बहू लेकर आओ। भाई कहीं ना कहीं एक ही बात की तरफ है ये इशारा कि घर पर कपूर फैमिली की सबसे बड़ी बहू श्रीदेवी के निधन के बाद घर में अर्जुन कपूर की पत्नी को देखने का इंतजार सभी कर रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि श्रीदेवी, जिनकी आत्मा तड़प रही होगी ये देखने के लिए कि काश वो अपने बहू का स्वागत अपने हाथों से कर पाती। ताउम्र जिस अर्जुन को गले से लगाकर प्यार भरे निगाहों से देखने के लिए और अपना ममते का प्यार, जी हाँ ममता का प्यार लुटाने के लिए जो श्रीदेवी तरसती रह गई, उस श्रीदेवी का प्यार भरा रूप तो सामने नहीं आ सका, लेकिन हाँ उनकी आत्मा जो कहीं ना कहीं अर्जुन को आशीर्वाद आज दे रही होगी। इसका उदाहरण ये है कि अर्जुन कपूर अपनी बहनों में आज सिर्फ अंशुला कपूर नहीं बल्कि जानवी कपूर और खुशी कपूर की भी बात करते हैं। सौतेली बहन नहीं लेकिन अपनी सगी बहन से भी ज्यादा लाड़ प्यार अर्जुन जानवी पर लुटा रहे हैं। इसका सबूत जानवी की फिल्म धड़क के रिलीज के बाद उनके रिएक्शन के जरिए सामने आ गया। ऐसे में अर्जुन कपूर अपनी शादी को लेकर एक ऐलान तो कर चुके हैं कि अंशुला के बाद ही वो शादी करेंगे, लेकिन अंशुला के बाद अर्जुन शादी करेंगे तो घर पर वो कमी खलती ही रहेगी लोगों को, जो घर की बड़ी बहू श्रीदेवी के जाने के बाद बोनी कपूर की जिंदगी जो बेसहारा हो गए, अकेले और तन्हा हो गए बुढ़ापे में। घर में एक बहू का स्वागत कब होगा इसका सभी को इंतजार है, जिसका एक इशारा खुद संजय कपूर ने, बोनी कपूर के छोटे भाई ने खुद किया था। उन्होंने अपने मैरिज डे पर अर्जुन कपूर को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो खुद इंतजार कर रही है देखने का कि अपने घर पर अर्जुन कपूर की बहू जब आएगी तो अर्जुन का रिएक्शन कैसा होगा। ऐसे में परिवार का इंतजार कहीं ना कहीं प्रेशर डाल सकता है अर्जुन कपूर पर शादी को लेकर। तो जानना दिलचस्प होगा कि अर्जुन कपूर की पत्नी कौन बनेगी, कौन होंगी वो जो कि अर्जुन कपूर के दिल में ही नहीं बल्कि कपूर फैमिली पर भी राज करेंगे। बोनी कपूर अपनी बहू का स्वागत किस तरह करेंगे ये सारी बातें जानते हैं अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की शादी को लेकर सवाल आज नहीं बल्कि कई सालों से बी टाउन में गूंजता रहा है। वल जब मलाइका अरोड़ा खान के साथ अर्जुन कपूर के अफेयर को लेकर खबरें आई थी सामने, मलाइका और अरबाज के अफेयर और उनकी शादी के बाद उनके तलाक की वजह अर्जुन कपूर के साथ मलाइका की बढ़ती नज़दीकियां को बताया गया था। जब कई इवेंट फंक्शन में दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते देखा गया था। खबरें ये तक आई थी कि अर्जुन कपूर मलाइका के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बन सकते हैं, तो वहीं इन खबरों को, अफवाहों को पूरी तरह से खत्म होने में देर न लगी जब सलमान और अर्जुन के बीच की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले अर्पिता खान सलमान और अरबाज से लेकर सुहैल खान की छोटी बहन, गोद ली हुई बहन अर्पिता खान के साथ अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ही अपने रिलेशन को लेकर खूब खबरों में थे। तब ऐसी भी खबरें थी कि अर्जुन कपूर को सलमान बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हालांकि बहन के साथ उनके रिश्ते को रिस्पेक्ट भी देते थे सलमान और पूरा का पूरा खान परिवार। इसका खुलासा खुद एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने किया था। लेकिन सालों बीत गए, अर्जुन कपूर की असली में कौन बनेंगी दुल्हन, इस राज पर से पर्दा नहीं उठा, जिसका एक बार फिर से नया सवाल लोगों को हैरान कर रहा है।
आज हम आपको बताने वाले हैं अर्जुन कपूर की शादी को लेकर सिर्फ उनकी दादी अम्मा ही नहीं बल्कि उनके चाचा जान संजय कपूर भी कई उम्मीदें लगा बैठे हैं। इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले अपनी पत्नी महिप कपूर के साथ अपनी शादी की खूबसूरत सी तस्वीर संजय कपूर ने शेयर की थी, जिसमें अर्जुन कपूर छोटे से बेबी बॉय नजर आए और काफी इरिटेटेड हो रहे थे वो शादी के दौरान। इसके बारे में संजय कपूर ने कहा था, दैट्स माय एक्सप्रेशन व्हेन अर्जुन गेट्स मैरिड। मतलब संजय कपूर ने कहा है कि बिल्कुल अर्जुन की तरह एक्सप्रेशन वो देंगे जब अर्जुन कपूर दूल्हा बनेंगे उनकी तरह और उनकी शादी होगी। मतलब कंफर्मेशन दे दिया है संजय कपूर ने कि अर्जुन की शादी होगी जरूर और इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं। कैप्शन में उन्होंने लिखा था, बोर्ड अर्जुन, गेट इट ओवर विद चाचू। मतलब चाचू की शादी से बोर हो रहे थे अर्जुन कपूर। अब अर्जुन कपूर की शादी में संजय किस तरह उनका मजाक बनाएंगे देखना तो दिलचस्प होगा, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। तो वही अर्जुन कपूर का क्या कहना अपनी शादी को लेकर, इसके बारे में एक बार फिर से आपको बता दें। उनका कहना है कि 2 साल, जी हाँ, मात्र 2 साल के अंदर अर्जुन कपूर शादी के बंधन में बन सकते हैं। उनका कहना है, एनीवन वुड वांट टू हैव समवन होम यू कैन टॉक टू अबाउट नथिंग। आई वुड लव टू पास आउट नेक्स्ट टू समवन हु विल टक मी इन और मे बी सरप्राइज समवन बाय टेकिंग आवर हर आउट फॉर डिनर। Keep saying that it will happen soon and I hope it does. मतलब शादी बहुत जल्द होगी और वो हमेशा ही कहते हैं कि बहुत जल्दी और कभी भी हो सकती है। नहीं नहीं, सलमान खान को फॉलो करने वाले अर्जुन ने कह दिया, I feel I have 2 years before I get married. I would love to be in a steady relationship and consolidate. Marriage to me is a step that needs to be taken when you are 200% sure. जब 200% श्योर होंगे अर्जुन कपूर, तभी वो शादी के बंधन में बनेंगे। मतलब अपनी दुल्हन के साथ 2 साल तक वो रिलेशन में रह सकते हैं। उनके साथ जिंदगी बिताने के ख्वाब को पूरा करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, अर्जुन कपूर ने शादी को लेकर अपनी राय बेहद ही बेहतरीन तरीके से पेश की थी। उन्होंने कहा था कि वो शादी तो जरूर करेंगे, लेकिन शादी में जो वक्त लगने वाला है उससे पहले वो अपने दुल्हन को जानना चाहेंगे। इतना ही नहीं, अर्जुन कपूर अपनी फैमिली की चाहत और उनके मनपसंद की लड़की को अपने घर की दुल्हन बना सकते हैं, क्योंकि आज जो श्रीदेवी को लेकर अर्जुन कपूर खुलकर अपना प्यार लुटाते हैं, उनकी बेटियों को अपनी सगी बहन बताते हैं, वो अर्जुन अब अपनी दूसरी माँ यानी कि सौतेली माँ अर्जुन कपूर अपनी श्रीदेवी को लेकर अपनी सौतेली माँ श्रीदेवी के निधन के बाद घर में बड़ी बहू की कमी को पूरा करना चाहते हैं। अब देखना होगा, बड़े भाई इतनी बहनों के यार जानवी कपूर, अंशुला कपूर और खुशी कपूर के कब घर में लेकर आते हैं भाभी, कब बोनी कपूर के घर बहू आकर उनके घर के आंगन को भर देती है जो सूना हो गया था श्रीदेवी के निधन के बाद से। कहना गलत नहीं होगा कि बोनी कपूर अर्जुन कपूर की शादी में जबरदस्त तैयारियां करने वाले हैं, क्योंकि सोनम कपूर की शादी ने उनके चेहरे के खोए रंग को कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर दोबारा लाया। ऐसे में एक और खुशहाली की घड़ी का इंतजार है घर पर, इसलिए ताकि श्रीदेवी की जो कमी है वो किसी तरह घर की नई बहू के आते थोड़ी तो पूरी हो जाए। एक बहू के ना होने से घर का आंगन कितना खाली होता है, इस घर के आंगन को किस तरह भर दिया जाए, इसका पूरा इंतजार है। तो ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम मैरिज स्पेशल, जिसमें हमने आपको बॉलीवुड के शानदार एक्टर अर्जुन कपूर के मैरिज को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स दी। हमने आपको बताया, धड़क फिल्म के रिलीज के बाद अर्जुन कपूर अपनी बहनों पर प्यार लुटाने वाले प्राउड ब्रदर खुद को फील कर रहे हैं, लेकिन प्राउड फादर बोनी कपूर कब फील करेंगे, जब अर्जुन कपूर घर पर एक ऐसी बहू लेकर आएंगे जो कि बोनी कपूर के बेसहारा जिंदगी को एक बेटी की तरह सहारा देगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, बेटियों को घर से विदा होना है। सोनम कपूर के बाद घर पर जानवी कपूर, खुशी कपूर, अंशुला कपूर से लेकर शनाया कपूर की विदाई का मौका अभी बाकी है, लेकिन घर पर एक बहू का इंतजार बरकरार है। ऐसे में अपनी बहू को देखने के लिए किस तरह बोनी कपूर तड़प रहे हैं ये भी हमने आपको बताया।
तो दोस्तों अब वक्त आ गया इसी के साथ आज इस प्रोग्राम का यहीं दयन करने का। जी हाँ, आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ अगली बार फिर लौटेंगे आप सभी के बीच ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, अर्जुन कपूर से जुड़े इंटरव्यू में हुए इस खुलासे के साथ जिसमें उनकी शादी की ख्वाहिशें जाहिर हुई थी, जो सालों सालों पहले से अपनी एक्स लेडी लव के साथ शादी के सपने देख चुके थे। तो अब दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ जुड़े रहे आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ, और मुझे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हाँ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।